अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा रात, देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह नए मेहमानों के साथ। जैसे कि आपके पास नए टैलेंट आते हैं रोज़ाना तारा रारा के शो पे, ऐसे ही आज हमारे पास जो नए स्टार्स आए हैं, यंग जनरेशन अगर देखी जाए, यंग जनरेशन पर मैं बात करूँ तो हमारे सिंध में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी ऐप से वो बिलोंग करते हो। जैसे कि जो शो के मेहमान हैं वो टिकटॉक की दुनिया से बिलोंग करते हैं, और एक बहुत प्यारा कपल भी है जो कि मेरा फेवरेट कपल है, और मैं दोनों को बहुत तंग भी करती हूँ। और इनसे पूछेंगे सबसे पहले टिकटॉक के बारे में, फिर पूछेंगे मोहब्बत के बारे में, और बहुत सारे सवाल कचहरी होगी तारा के शो पर। वेलकम करते हैं अपने शो पर मुदस्सिर और निमरा को। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा निमरा तो भी कितनी चुप थी, और कितना इधर तो ज्यादा आवाज निमरा की निकल रही है, तुम्हारी कम। अच्छा क्यों है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये मुझे बताएं टिकटॉक ऐप क्या है निमरा, पहले तुम बताओ। टिकटॉक लाइक अगर हमें कोई अपना वैसे वीडियो बनाने के लिए जस्ट अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था टिकटॉक पे वीडियो बनाई जाती है। बस फ्री होते हैं तो बना लेते हैं, बोर हो रहे मतलब तुम ना देने का मकसद है टिकटॉक पे बांधे लोग आ सकते हैं। यस हां ऐसा ही है। अच्छा ऐसा ही है, तो मतलब तुम दोनों और मेरे समेत और जो जो टिकटॉक बनाता है वो सब बांधा है? नहीं ऐसी बात ऐसा भी नहीं है। मैं अगर बात करूं टिकटॉक ऐप की तो नाज़रीन यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सर्कल में बैठते हैं, मेरे साथ उठते हैं, जो ब्यूरोक्रेट फैमिली से हैं, खुद ब्यूरोक्रेट उनके मोबाइल में भी टिकटॉक ऐप इंस्टॉल है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये फ्री लोग काम करते हैं, वो लोग भी भले और उनके पब्लिक के अकाउंट्स, मैं हंसती हूँ कभी कभी यार ये तो CSS ऑफिसर है इस बंदे ने टिकटॉक, इसको क्या ज़रूरत है टिकटॉक बनाने की, और वो यूनिफॉर्म में लोग बना रहे होते हैं। तो टिकटॉक एक बहुत अच्छा ऐप है जो सब यूज़ करते हैं। सही बोला गलत बोला? बिल्कुल। कुछ बोलना चाहोगे टिकटॉक के बारे में तो बोल सकते हो, फिर ना कहना तारा ने मौका ना दिया। अच्छा टिकटॉक तो बनाते हो, कब से बना रहे हो टिकटॉक? 2 ईयर्स हो गए। 2 साल हो गए जी। और साथ मिले हुए कब से? 4 साल हो गए। अच्छा 2 साल बाद आपको याद आया कि हमें भी टिकटॉक की बीमारी लगनी चाहिए। हाँ। घर में किसी और को भी है ये बीमारी आप दोनों के अलावा? बनाते तो सब ही हैं बट प्राइवेट। आप पब्लिक क्यों हैं, पब्लिक फिगर पे कैसे कैसे आए? इनकी वजह से। तो भाई तुमने क्या कहा था, क्या किया? बस मैंने एक वीडियो अपलोड की तो हम दोनों की वीडियो बहुत वायरल गई, उसके बाद टिकटॉक पे आ गए बस। अच्छा ये मुझे बताओ टिकटॉक की वजह से मोहब्बत नहीं हुई तुम दोनों को? ये वीडियोस वायरल जा रही हैं तो आपस में एक दूसरे 4 ईयर्स हुए हमारी एंगेज। 4 साल भी बुरा नहीं था। 4 साल तो मतलब मैं थोड़ा क्या बोलते हैं यार बर्गर बच्चे। ओके ओके बर्गर बच्चे नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। खैर हो गई, इधर अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार मैं होस्टिंग करते हुए कंफ्यूज हो जाती हूँ। कैमरे लगे होते ना, हेलो ऐसे हम हाई करते हैं, ऐसे होस्टिंग की जाती है। 4 ईयर्स हुए हमें, क्या पूछ रही थी आप मेरे से? मैं ये पूछ रही थी कि आपको मोहब्बत टिकटॉक की वजह से हुई है? ऐसा नहीं है, अगर टिकटॉक की वजह से होती तो 4 ईयर्स से हम साथ नहीं होते। मतलब 2 ईयर्स से हम पहले से साथ थे, फिर उसके बाद हमें ख्याल आया कि हमें टिकटॉक बनानी चाहिए। ये पहले बनाता था अपनी फ्रेंड्स के साथ भी और लोगों के साथ। अच्छा अब आप लड़कियों के साथ परमिशन देती हैं? इस पे निमरा हंसी है, निमरा मजबूर है ये जबरदस्ती बनाता है आप? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बोल दो। बिलीव है मुझे इस पर, भरोसा है इस पर। अच्छा जी कितना भरोसा है? नहीं मैं वीडियोस बनाने देती हूँ, मुझे पता है कहीं और जाएगा ही नहीं। सही वो अभी सॉन्ग हमारा चल रहा है ना जो पर्ची पवे यार ते खैरात के अंदर से, ये वाला सीन तो नहीं आप दोनों का? नहीं नहीं पक्की बात है, पक्की बात है, क्योंकि वो कह रही है मुझे इतना भरोसा है, मुझे पता है ये कहीं जाएगा ही नहीं। जी कभी आजमाया इसको? नहीं अभी तक नहीं। आजमाना चाहोगी? जी कब आजमाओगी, जब आजमाओ तो मुझे बताना। जी सही है। अच्छा ये है कि जब मेरी मुदस्सिर से फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो मुझे इसने बताया था कि ये रिलेशन में, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और दूसरा ये भी बताया था। किस सिलसिले में कॉन्टेक्ट हुआ था मुदस्सिर, शेयर करो। इंस्टा पे बात हुई थी। इंस्टा पे बात हुई थी। अच्छा अद्दी अद्दी बोल रहा था तो मैंने कहा बड़ा शरीफ बच्चा ही है हमारा फिर मुझे पता चला कि आप जो है रिलेशन में, तो मैं समझ गई थी। अच्छा सबको सिस्टर बोलते हो या निमरा के सामने से? मैं सबको सिस्टर ही बोलता हूँ। सब बहने हैं निमरा को छोड़? निमरा को छोड़ पूरे पाकिस्तान दुनिया में सब। ये देख लो भाई तुम खुश किस्मत हो, लाइव शो में ये कह रहे हैं। जी और जिन्होंने तुम्हें फॉलो किया होगा हो सकता है इस शो को देखने के बाद वो तुम्हें अनफॉलो कर दें
करने दो, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। अच्छा निम्र, कभी कुछ ऐसा सीन हुआ है जो तुम्हें याद हो, जो मतलब किसी लड़की के साथ ये हो या कुछ ऐसा? ऐसा कोई मुदस्सर हंसा है, सीन है, लेकिन आपके जहन में याद नहीं आ रहा। मुदस्सर तुम बता दो। मतलब पकड़ा हो? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं। तुमने गुनाह किए होंगे, छुपके किए इससे? नहीं। तो भाई ये है टिकटॉक की कहानी। और शादी कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह 3-4 साल। 4 साल से रिलेशन में और 4 साल बाद शादी करोगे? क्या हो गया, तुम लोग बुड्ढे हो जाओगे? नहीं, तुम छोटे हैं, बुड्ढे कैसे होंगे? अच्छा 4 साल रिलेशन में आप लोगों को हो गए हैं, कितने छोटे हो गए? अभी तो आप बहुत छोटी लगती हैं मुझे। नहीं, मैं 19 की हूँ, लेकिन जब मैं एंगेज हुई थी तो मेरी 16 थी एज, जब मम्मा ने जल्दी जल्दी सिंधियों में होता है तो जो है सिंधी तो होती ही है। सिंधियों का मैं क्या बताऊँ, सभी नहीं है सिंधी, ऐसे नहीं, सिंधी बहुत अच्छे होते। मतलब वो एंगेजमेंट की बात कर रही है, मैं खुद सिंधी हूँ। अच्छी बात है ना ये। खैर अभी ऑन ईयर कुछ बातें कह सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती हूँ, कुछ ऑफ ऑफ स्क्रीन अच्छी लगती हैं। तो अब मुझे मुदस्सर आप ये बताओ, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? निम्रा के बारे में नहीं, अपने बारे में, अपनी फ्यूचर प्लान्स, लाइफ के बारे में। क्या करना है टिकटॉक के अलावा? क्या करना है टिकटॉक के अलावा? जो होगा नसीब होगा। ये वो बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है ना, अल्लाह कुछ बना दे, जो बन गया तो बन गया, ये वो वाला सीन है तुम्हारा? हाँ। अपने भी गोल्स होते हैं ना यार, हमने बड़े होकर ये करना है, हमने फोर्स में जाना है, हमने डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। इतने सारे मैंने इसको बताया तो बीच से इसने एक चुना है। मैं मेडिकल ही पढ़ रहा हूं। अच्छा, डॉक्टर बन के हमें इलाज फ्री मिलना चाहिए, मेरी पूरी आरएनएन न्यूज की टीम को, नहीं तो मैं लाइव तुम पे केस करूंगी। मैं लॉ करूंगी, फिर मैं भी केस कर सकती हूँ। निम्रा मुझे आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स डिजाइन। अच्छा, उर्दू में बताया इसने मुझे, आर्किटेक्चर का इंग्लिश में पता ही नहीं था। वाह निम्रा, मतलब तुम वो मजदूर बनना चाहती हो, बिल्डिंग कंप्यूटर पे जैसे वर्क करते हैं हम लोग। अभी अच्छा। भी मैं सीख भी रही हूँ। क्या सीखा है अभी? ऑटोकैड का वर्क करती हूँ मैं, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह जो सारे डिजाइन होते हैं। किसी को बिल्डिंग डिजाइन करवानी हो आपसे रब्ता कर सकते? जी। अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना, मक्के का रास्ता हर कोई दिखाता है, पैसे कोई नहीं देता, जैसे ये वाला सीन है, बिल्डिंग डिजाइन करने का बताएगी, ऐसे ऐसे बनेगा, जेब से भरो। ये वाला मैं तो स्ट्रक्चर बनाऊंगी, फिर अगर उनको पसंद आएगा नहीं आएगा तो? अगर उनको पसंद आ जाता है फिर? फिर वो आपको पे करेंगे। जी। कितना पे लूंगी? बिल फॉर सपोज करें मुझे आपसे एक घर बनवाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो मुझे वो पसंद आता है, तो आप मुझसे क्या पेमेंट लेंगी? नहीं, मुझे तो ऑन ईयर सुनना है ना, क्या पता कुछ फैंस हों जो ऑन ईयर। सही कह रही हो ना भाई, आप प्रमोट करो अपने बिजनेस को, शो पे आते हो तो ऑन ईयर प्रमोट किया करो, उसके हिसाब से होगा ना। चलो मुझे एक बैंगलो बनवाना है, ठीक है, बैंगलो का स्ट्रक्चर है, तो क्या पे लेंगी? स्ट्रक्चर के ऊपर होता है लाइक कितना मुश्किल है, कैसा है। अगर मुश्किल है, अगर मुश्किल है, अगर मुश्किल स्ट्रक्चर है तो क्या पे लेंगी? बट आई कांट। कितना छोटा है, कितना बड़ा है, साइज, मतलब सब चीजें बताएं, रूम्स, हर चीज बताएं ना आप भी। मुझे बैंगलो चाहिए 6 रूम्स का, और उसका क्या आप मुझसे चार्ज करोगी ये मुझे बताओ, उसके स्ट्रक्चर। मैक्सिमम उसमें 6 रूम्स हैं। मुझे एक बैंगलो में 6 कमरे बनवाने हैं, एक फ्लोर पे, 2 फ्लोर चाहिए, 12 रूम्स बनवाने हैं, तो आप क्या लेंगे? 2 फ्लोर्स और 12 रूम। आर्किटेक्टर आप हैं, मैं हूँ। मैं तो स्ट्रक्चर अभी बनाना सीख रही हूँ, मैंने आपको बताया, मैं अभी आगे तो कुछ नॉलेज होगी ना बाबा, तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है तो सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, आप क्या अपना दिमाग होगा ना, ये मुझे तो ये पैसे लेने हैं, वो तो आगे पता चलेगा ना कितने, वरी आगे पता चलेगा, महंगाई आगे बहुत महंगाई है, आगे मैं आपको बता रही हूँ इन फ्यूचर इतनी महंगाई है, कितनी? इस टाइम पेट्रोल इतना महंगा है कि लोग बाइकों पे घूम रहे हैं, मुझ जैसे लोग सीडी 70 निकाल ली है, तो अब आगे क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं आपको क्या करना है, आप क्या पेमेंट लेंगे? स्ट्रक्चर, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनने में एक दिन में तो नहीं बन सकता डेफिनेटली, और सारा दिमाग खर्च होता है, आपको ड्रॉइंग नहीं कर रही एक दिन में, हाँ सारी मैथमेटिक्स का काम होता है, तो उससे दिमाग भी खर्च हो गया और सारा दर्द, सर में दर्द हो जाता है यार। कितनी क्यूट है, कहती है
कि एक स्ट्रक्चर में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं बनता, सर में भी दर्द होता है, दिमाग भी कपता है यार पेमेंट का। इस हिसाब से तो ज्यादा ही होंगे ना, मतलब इतने... हाँ सर दर्द भी होता है तो दिमाग हाँ। भी खपता है, तो आप वो मेडिसिन पैनाडोल के पैसे भी निकाल के मुझे भले बताएं। निम्रा तुमसे ना होगा ये आज, नहीं होगा आज, ये शो मेरा खत्म हो जाएगा, तुमसे पैसे नहीं बताए जाएंगे। जी मैं आपको ऐसे ही बना के दे दूंगी। उसने बोला यार ये सर का गई है, मुफ्त में ले जान छोड़। पक्की बात है ये ऑन ईयर तुम बोल रही हो, कल कला मुकर जाओ, मैं एक क्लिप निकाल के तुम्हें भेजूंगी। जी ठीक है। पक्की बात है, जैसे गवार है ना वतन की मिट्टी, गवार है ना। तो भाई ये है हमारे बहुत प्यारे कपल, बहुत प्यारे दोस्त, बहन भाई, भाई है मेरा, बहन है मेरी, और ऐसे ही आगे मेहनत करते रहो। क्या मैसेज दोगे अपने फैंस को? अभी तुम ये भी सोचोगे क्या मैसेज दोगे? मैं दूं वो भी कि कोई कितना भी आपको कुछ भी कह दे, लोग बहुत ज्यादा जो है अनोइंग करते हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं इस पे में, तो फिर आपको जो है अगर आगे बढ़ना है तो आप इग्नोर करना सबको, इग्नोर काफी रिलेटिव्स भी ऐसे हैं जो रिलेटिव्स तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हैं जो इस बात पे मतलब कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो हम उनकी सुनते ही नहीं है। हम उनकी सुनेंगे तो फिर कैसे मतलब सब कुछ कर पाएंगे, कुछ कैसे कर पाएंगे, मतलब उनकी सुनते ही नहीं है। आप रिश्तेदारों की नहीं सुनते? नहीं सुनते। घर वापस जाना है रिश्तेदारों के पास? नहीं रिश्तेदारों के पास नहीं जाना, हमें अपने घर जाना है। फैमिली की सुनते हैं, रिश्तेदारों की नहीं सुनते। रिस्पेक्ट भी करते हैं तो फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर जब फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, फैमिली हमें कुछ नहीं कहती तो फिर रिलेटिव्स कौन होते हैं? फैमिली का क्या सपोर्ट है? जब फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई आप, जैसा कि आपने बताया फैमिली बहुत सख्त होती है सिंधी फैमिलीज, जैसा कि मैं शो भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे अब्बा को आज तक नहीं पता मैं टिकटॉक बनाती हूँ। बाबा से टिकटॉक देखें आप मेरी, तो ये सीन होता है, तो क्या क्या रिएक्शन होता है? मेरे बाबा को भी एक्चुअली शुरू में नहीं पता था कि मैं, अभी पता चला है ये, मैं लिंक भेज दूंगी, नंबर दे देना। उनको पता तो है बनाते हैं, बट बस वो कहते हैं कि अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी, तो उस लिमिट में ही बनाते हैं। तो बहुत अच्छे बाबा ऑर्डर पे बनवाए, मुझे लग रहा है अपने अपने अब्बा को भी, यहाँ पे तो ये भी सीन नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है निम्रा, थैंक यू सो मच आप हमारे शो पर आई। मुदस्सिर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला शो पर आए और ऐसी मेहनत करते रहें, कामयाब हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करें मेरे समेत, और खुश रहें, आबाद रहें, दोनों एक साथ रहें, और नेक्स्ट टाइम जब शो पे आएंगे तो फिर बहुत सारी कचहरी होगी, और उम्मीद करती हूँ शादी में आप हमारी टीम को दावत भी देंगे। मैं आके कवरेज दूंगी आपको, अटेंड भी करूंगी और कवरेज भी दूंगी मीडिया पर कि भाई फाइनली 4 साल का रिलेशन, 4 साल बाद पता नहीं मैं मर ना जाऊँ अगर जिंदा हुई तो मैं, हाँ क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। थैंक यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद, मेरे शो को रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।